शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के साईं बाबा के विरोधी स्वर के बाद अब उनके अनुयायियों ने वाराणसी में साईं बाबा की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें साईं बाबा की प्रतिमा खंडित हो गई। स्वरूपानंद के अनुयायियों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा पाथवे के विरोध में मंदिर बचाओ आंदोलन चला रहे थे। ये प्रतिमा कई वर्षों पुरानी बताई जा रही है। आरोप है कि अनुयायी आंदोलन के दौरान साईं मंदिर देख के आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में मंदिर के अंदर प्रवेश कर मंदिर और बाबा की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। जहाँ पे ग्रुप आज गया था और दर्शन पूजन किया, जब उससे आगे बढ़ रहे थे तो उनके पीछे कुछ अनुयायी और उनके लोग जो है वहाँ पे जाकर के एक साईं बाबा की प्रतिमा थी जिससे कुछ क्षतिग्रस्त हुई और डिस्प्लेस किया, हटाया वहाँ से। सूचनाकर्ता द्वारा बताया गया कि यहाँ सुबह करीब 9 बजे अभी मुक्त सदानंद जी अपने अनुयायी सताए थे और पूजा पाठ करके जब वो बाहर गए हैं तो उनके अनुयायी द्वारा साईं बाबा का जो मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। देव दर्शन कर रहे हैं, लगभग 1200 मंदिरों में हम लोगों को जाना है तो नंगे पांव हम यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पास बहुत सारे पौराणिक मंदिरों को गिरा दिया गया है काशी में, और उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे मंदिरों को न गिराया जाए, हमारी मूर्तियों को न तोड़ा जाए।